भाषा ऐसी बोलो कि सामने वाला आकर्षित हो जाए। भोजन ऐसा करो सात्विक प्रवृत्ति का। धर्म की शुरुआत सबसे पहले रसोई से होती है। आपकी रसोई में ऐसा भोजन नहीं बनना चाहिए जिसमें हिंसा हो। आजकल लोग मांसाहार कर रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। कई लोग तो बोले महाराज ये अंडे वो शाकाहारी वाले हैं। अरे प्यारे मुझे बताओगे, अपनी कमियों को छुपाने के लिए तो ऊपर से मक्खन लगा रहा है। मांस खाने वाले व्यक्ति को मैं ये नहीं कहूंगा कि वो नरक जाए, मुझे नहीं पता। कई लोग कहते नरक जाएगा, कढ़ाई में तला जाएगा। अरे भाई मुझे नहीं पता, और जाएगा भी तो कौन पहुंचाएगा, कढ़ाई और तेल भी 400 रुपए किलो हो गया। अपन को ऐसा अनुभव नहीं और ना ही मैं नरक गया। देखो मैं एकदम क्लियर कथा करता हूँ। हाँ, मांस खाने वाला व्यक्ति जीवन में कभी सुकून और शांति से नहीं रह सकता, क्योंकि अगर किसी के बच्चों को मार के काट के तुमने खाया है तो उनके माँ बाप की, उनके परिवार की आप पर हत्या का आह जरूर लगेगी। ये जीवन में याद रखना। रामचरितमानस में जब कुंभकर्ण को रावण ने जगाया कि युद्ध करो भैया, तो वो जागा तो उसने बड़े सुंदर उपदेश दिए, कहा कि राम भगवान है मत लड़ो। तो रावण ने क्या किया, भैंसे का मांस खिलाया, महिष खाई और मदिरा पाना। और जैसे मांस मदिरा खाया राम जी से लड़ने चला गया। क्यों? क्योंकि मांस खाने के बाद आपके विचार कभी शुद्ध नहीं हो सकते हैं, और जब विचार शुद्ध नहीं होंगे तो आप सदाचरण नहीं अपना सकते, और सदाचरण जब नहीं होंगे तो जीवन में कभी भी शांति नहीं मिलेगी। ये मत सोचो कि ऊपर नरक मरने के बाद जाएंगे। आजकल का भगवान ऐसा नहीं, लैपटॉप वाला भगवान है। पहले भगवान कर्मों का फल बही खाते में देते थे तो देर लग जाती थी, आजकल भगवान ने भी आईफोन वाला लैपटॉप ले लिया है। हाँ भाई तेरे कर्म का क्या फल, निकाल के देखा ऐसा फल, तुरंत ये ले सजा। सब यही भोग के जाओगे, इसलिए इस चक्कर में मत रहो कि इस जन्म में एंजॉय करें अगले जन्म में कर्म का फल मिलेगा। ना जी ना, सब कुछ यही मिलेगा। भगवान भी तेज हो गया, तुम ही तेज नहीं हो। मेरे प्यारे, मैं निवेदन करूंगा अपनी संस्कृति को अपनाओ। भोजन रसोई घर में शुद्ध बनना चाहिए। चप्पल उतार करके भोजन बनाओ। हाँ आजकल तो वो बड़े बड़े जूते पहन करके माताएं ठंड में ऐसा भोजन बनाती हैं। और रसोई घर में जहाँ अन्नपूर्णा मैया का स्थान होता है उसी में एक सिंक लगी, एक गंदे गंदे कपड़े गंदे गंदे पात्र उसी में डाल दिए, उसी में जूठन, उसी में ठाकुर जी के लिए वो क्या कर रहे हो। कथा का मतलब ये नहीं भगवान प्रकट हो जाएगा, ये चक्कर में मत रहना। अगर प्रकट हो जाता कथा से तो तुमसे पहले हमें मिलता। ये मत सोचो शिवानंद कथा सुनाएंगे तुम सुनोगे कल कन्हैया मिल जाएगा, बंसी बजाएगा, कल्याण हो जाएगा। कथा से सिर्फ आपको अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलेगी, और जब अच्छे मार्ग पर चलोगे तब ही गोविंद मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा।